सब अपनी बातों को मान करेंगे, अपने बातों को आश्वासन करेंगे, अपने आप को खुदा के ताबे में रखें। उसके अलावा अभी से अपने लिए मांगना शुरू करें। मैं भी नहीं जानता कलाम जो मेरे लिए है आपके लिए क्या है। मेरा ईमान है कि खुदा जब बोलता है तो फिर अपने नाम को जलाल देने के लिए वो अपने फादर का मुंह बन जाता है। जोरे बाजू है कहेगा कि आप शिकस्तशुदा है, बल्कि आप कहेंगे कि मैं फतह से बढ़कर गलबा पाऊंगा, फतह से बढ़कर गलबा पाऊंगी। आप हालात के रहमत करम पर नहीं रहेंगे, बल्कि हालात आपके ताबिया हो जाएंगे। लॉर्ड जाने के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र, तेरे पाक फरिश्तों के लिए तेरा शुक्र जो हमारे साथ मिलकर खुदावंद तेरी बड़ाई कर रहे हैं। हम तेरे पाक फरिश्तों के साथ मिलकर तुझे जला देते हैं। आज हम चाहते हैं कि हम बरकत पर बरकत पाए। आज हम चाहते हैं कि हम तेरी हसूरी से शेर और सुना। आज हम चाहते हैं कि हम बरकत पर बरकत पाएं। शुक्रिया मैं भी चाहता हूँ कि मुझे लिखूँ और आप इसे भर दें। आ करे, खुदाम तेरी इबादत, तेरी पूजा, तेरी प्रस्तुत करे और खुदाम तेरे कलाम को सुन सके। इसी तरह से खुदाम ने तेरे खादम को, तेरे मंसूब को खुदाम खुदा तेरी हजूरी में लेके आती हूँ। खुदाम खुदा मेरे खुदाम ऐ मेरे खुदाम तो अपने खादम को दूर दराज के इलाका से यहाँ पर लेके आता है, ताकि खुदाम खुदा ऐ मेरे खुदाम खुदा तो अपने कलाम के गहरे भेदों को, मुकाशमात को अपने खादम पर खोल कर ऐ खुदाम तो अपने लोगों तक पहुँचा सके। खुदाम खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदाम तेरे खादम के घराने के लिए, इनकी पूरी फैमिली के लिए तेरी बरकत को, तेरी सलामती को चाहते हैं। खुदाम तो अपने खादम को और ज़्यादा गहरे भेदों से ऐ खुदाम खुदा मुकाशमात से खुदाम खुदा ऐ खुदाम पर खोलना। खुदाम खुदा ये ज़मीन के अंदर तक पास सब ऐ खुदाम तेरे करे और बहुत सी जानों को, रूहों को एक खुदाम तेरे पास लाने का वसीला बन सके। एक खुदाम तो अपने खादम को इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल करना और खुदाम का और ज्यादा एक खुदाम दरकार से मालामाल करना, फाइनेंशियली तौर पर, फिजिकली तौर पर एक खुदाम खुदा तो इनको ब्लेस करना। एक खुदाम कभी किसी चीज की कमी ना आने पाए। तेरा आसमान हमेशा एक खुदाम तेरे बंदा के लिए खुला रहे। खुदाम तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। इसी तरह से खुदाम भाई नदीम के लिए एक खुदाम जिनको एक खुदाम खुदा तुमने फसल उठा के अंकल के लिए खुदाम खुदा ऐ मेरे खुदाम ताकि वो इस जगह को रिजर्व कर सके। खुदाम ताकि इस जगह पर खुदाम तेरी इबादत की जाए, तेरी पूजा और तेरी प्रस्तुत की जाए। अपने बच्चों को, अपने बेटों को ऐ खुदाम दिन दुगनी रात चुगनी खुदाम खुदा ऐ खुदाम तरक्की अता करना। खुदाम तुझ में खुसूसन खास तौर पर ऐ खुदाम खुदा तुझ में बढ़ते और तरक्की करते चले। खुदाम खुदा की पूरी फैमिली के लिए तेरी बरकत को मांगती हूँ। खुदाम पूरे आसमान की बादशाह के लिए अपने आप को तैयार और बेदार कर सके, ताकि ऐ खुदाम खुदा इस सिलसिला से जब तू आए तो खुदाम खुदा हवा में उड़कर तेरे बाल करने वाले बन सके। खुदाम इस घर के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं। खुदाम इसी तरह से ऐ खुदाम भाई इरफान के लिए खुदाम जो ऐ खुदाम खुदा प्रिसाइड करते हैं, खुदाम अपने बेटे के साथ ना भाई को बड़ी बरकत देना। खुदाम और ज्यादा अपने जलाल के इस्तेमाल करें, उनकी फैमिली के लिए तेरी बरकत को और तेरी सलामती को चाहते हैं। खुदाम खुदा रहम करना, तरस करना। ऐ खुदाम जब अपने बंदा को भाई को खुदाम खुदा सलामती से लेके आया, एक खुदाम जब ये भी जाएगी तो रास्ते में तू इनका मुहाफिज होना और हर तरह के शैतान इंसानी बुरे मंसूबों से हादसात से बचा कर रखना। खुदाम खुदा अब जब तेरा खादम है खुदाम कलाम का बीज बोने का खुदाम खुदा तेरे खादम में वो नहीं बल्कि तेरा पाक मुकद्दस एक खुदाम तेरे बंदा में से होकर बोले, ताकि खुदाम खुदा वो कलाम जो हमारी ज़रूरत है खुदाम वही कलाम है खुदाम खुदा तू अपने पाक मुकद्दस के जरिया से हम तक पहुँचाना। और खुदाम आज हमारी रूहें खुदाम खुदा तरोताज़ा हो, शादमानी को पाए खुदाम खुदा तुझे खुशोखुर्मी को जिंदगी में रखे। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ खुदाम, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। और खुदाम इस सिलासी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। इस वक्त आपन चाहे तो खुदावन की जिंदा आवाज़ को सुनेगा, खुदावन का दावतों का दोस्त कराएगा, खुदावन का जिंदा जोरदार तालियों में। जलाली नदूस और फजल नाम में आप सबों की सलामती। आप सब खुश हैं, शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है, ताकि हम उसके पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। और आज ये बड़ा खूबसूरत दिन है जिसमें हम खुदा के कलाम की ढेरों बातें सीखने वाले हैं। क्या आप रेडी हैं खुदा के कलाम को सीखने के लिए? आमीन आमीन। और आज जो होगा ना कलाम, आज प्रोफेटिक ऐसे ही होगा कि जैसे आप वहाँ पे हैं। और अपने आप को अगर आप खुदा के कलाम के अंदर करना शुरू कर देंगे ना, यकीन माने आप बरकत पाकर यहाँ से जाएंगे, खाली नहीं बरकत पाकर जाएंगे। फिर हालात जैसे मर्जी, आप हालात को मत देखें। मैं हमेशा बताता रहता, हालात को ना देखें। हालात जो है वो खुदावंद आपके ताबिया करते हैं। मैं पिछले दिनों में शायद यहाँ पर मैंने मैसेज दिया था ज़बूर बान के लिए, दिया कि नहीं मैंने ज़बूर बान के, तो वहाँ पर देखें क्या मुबारक है वो आदमी। अब ये जो मुबारक आदमी है ना, वो हालात के रहमो करम पर नहीं होता, बल्कि हालात उसके ताबिया हो जाते हैं और वही मुबारक आदमी। हालात जो है ये जिंदगी में इनका तार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन अगर आप खुदा के कलाम पर भरोसा करते हैं तो फिर याद रखिए कि खुदा एक ही पल में हालात बदल देता है। वो कुछ भी करने की कुदरत रखता है। ज़बूर नबी ने लिखा है, कहता है कि खुदाबंद मेरे लिए सब कुछ करता है, ये नहीं कि कर सकता है, वो कहता करता है। ईमान की बोली बोले, खुदाबंद मेरे लिए सब कुछ करता है। अगर आप इस पर ईमान रखते हैं कि खुदाबंद मेरे लिए सब कुछ करता है, तो याद रखिए हालात भी आपके ताबे आते हैं। आमीन। आइए खुदा के मौत में जिंदा कलाम मुकद्दस में से आज जो बात हम सीखने वाले हैं, मत्ती की अंजील और उसका 12वां बाब और उसकी 39 और 40 लिखा है। उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस जमाना के बुरे और ज़नाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूना तीन रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े और उसके सुने और उसके कबील किए जाने का खुदा। आमीन आमीन। यहाँ पे देखिए जरा, फकीही और फरीसी जो है उनके साथ यीशु मसीह बात कर रहे हैं, और अब फकीही और फरीसी जो है वो तरह तरह के निशानात जो है वो यीशु मसीह से मांग रहे हैं कि ये मैं कौन सा निशान दिखाए, अपना कोई निशान दिखा। तो यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे थे कि जिस तरीके से यूना जो है वो 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम जो है वो 3 रात दिन कब्र के अंदर रहेगा, और इसके बाद जो है वो मुर्दों में से जी उठेगा। और आज हम यूना के बारे में बात करने वाले हैं। यूना का मतलब है कबूतरी। और आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो यूना के बारे में मुख्तलिफ जो है वो ख्यालात जो है वो पेश करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो गलत ख्यालात जो है, गलत तसव्वुरात जो है वो यूना के बारे में पेश करते हैं। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि ये किताब जो है इल्हामी नहीं है। बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि यूना जो है वो ये सब एक मैथ है, एक कहानी है, क्योंकि इतनी बड़ी बेल या इतनी बड़ी मछली जो हो नहीं सकती कि वो आदमी को अपने अंदर जो है वो निकल सके। अब बहुत सारे लोग जो है वो तरह तरह के ख्यालात जो है वो रखते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जिस तरीके से ये लिखा गया ना कि यूना जो है मछली के पेट में 3 रात दिन रहेगा, वैसे ही बहुत सारे लोग जो इसका ख्यालात पेश कर रहा हूं मैं कि वो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बनी इज़राइल कौम जो है जब असीरी में चली गई, तो गुलामी में चली गई, तो बिल्कुल वैसे ही है कि जिस तरीके यूना जो है वो मछली के पेट के अंदर चला गया। बहुत सारे लोग जो है ऐसे ख्यालात जो है वो पेश करते हैं, लेकिन याद रखिए बाइबल मुकद्दस में यूना का जिक्र मिलता है। और हम बाइबल मुकद्दस में जब हम दूसरी तलातीन की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 25वीं आयत पढ़ते हैं, तो आप देखिए ये कोई मैथ नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इल्हामी किताब नहीं है। तो जब हम दूसरी तलातीन की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 25वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर यूना का जिक्र मिलता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, और उसने खुदावंद इस्राएल के खुदा के उस सुखन के मुताबिक जो उसने अपने बंदा और नबी यूना बिन इमती की मार्फत जो जाते हिफर का था फरमाया था, इस्राएल की हद को हमाद के मुदाखल से मैदान के दरिया तक फिर पहुंचा दिया। यहां पे देखे यही यूना बिन इमती, इसका जिक्र मिलता है सलातीन की किताब के अंदर। इसका मतलब है कि ये किताब जो है इल्हामी किताब है। यूना जो है ऐसा नबी जो कि यहूदियों के अंदर मनादी करता था, यहूदियों के पास जाता था कलाम सुनाने के लिए, अब खुदा जो था वो चाहता था कि ये यहूदियों से बाहर निकले और नैनवा के अंदर जाकर बरादी करें। अब नैनवा के लोग जो थे वो अच्छे नहीं थे। क्या नैनवा में यूना से पहले खादम नहीं गए थे? वहां पे पहले भी खादम गए थे, वहां पे पहले खादम गए थे, लेकिन हुआ क्या? वो क्या करते थे? वो मार देते थे, कत्ल कर देते थे। इसलिए यूना जो था वो डरता हुआ वहां पे मनादी करने नहीं जाता, वो नहीं चाहता था कि वहां पे मनादी कर। इसलिए उसने क्या डिसाइड किया कि मैं तरसीस को चला जाऊंगा। इसलिए उसने जो डिसाइड किया तो वो नैनवा नहीं गया, बल्कि कहां पे चला गया? तरसीस को भाग गया, उस जहाज में बैठ गया। आप देखिए जरा यूना की किताब को जरा निकालिए। आज मैं चाहता हूं कि यूना के 4 ही चैप्टर है, तो हम चारों चैप्टर को मुतालिया करेंगे, चारों चैप्टर जो है हम सीखेंगे और बरकत पाएंगे। अब देखिए जरा पहले चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पे यूना जो है वो कहां पे जाता है? तरशीस को। अब जब ये तरशीस को भागा तो हुआ क्या? वहां पे जिस जहाज के अंदर ये था, तो लिखा है, बाइबल मुकद्दस बयान करती है, यूना पहला चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है 4थी आयत, लेकिन खुदावन ने समुद्र पर बड़ी आंधी भेजी। क्या कहा जी? बड़ी आंधी जो थी वो भेजी, और समुद्र में सख्त तूफान बरपा हुआ, और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाएगा। आप देखें जरा कहां पे खुदा ने उसे भेजा? नैनवा में। वो जा कहां पे रहा? तरशीस को। याद रखिए, जब खुदा के हुक्मों से निकल जाते हैं तो फिर वही इलाका होता है, फिर आपकी जिंदगी के अंदर जो है तूफान आंधियां आएंगी, तूफान भी आएंगे और फिर आंधियां भी आएंगे, क्योंकि जहाज जो है जो आप ट्रेवल कर रहे हैं वो गलत जगह कर रहे हैं, आप गलत सीमत जो है वो जा रहे हैं। इसलिए यहां पे देखिए जरा लिखा, तब मलाह जो थे वो हरासा हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा, क्योंकि वहां पे बहुत सारी कौमों और कबीलों के लोग जो थे सफर कर रहे थे। उन्होंने क्या किया? अपने अपने देवताओं को पुकारना शुरू कर दिया, अपने अपने खुदाओं को जो था पुकारना शुरू कर दिया, और फिर बहुत सारा सामान जो था उन्होंने समुद्र के अंदर फेंक दिया ताकि जहाज जो है वो हल्का हो और ये चल सके। लेकिन अब हुआ क्या कि सब लोग जब अपने अपने देवताओं को पुकार रहे, सब लोग अपने अपने खुदाओं को पुकार रहे, लेकिन यूना जो है वो बड़े मजे से सो रहा। अब किसी ने आकर जगाया, भाई उठ, तू सप्ताह में देसी की है, तबाह हो गए, असी तो मान चले, तू की कर रहे हैं चुपचाप इस तक। तो वो क्या कह रहा है? कहता है ये जो तूफान आया है, ये जो आफत आई है, ये जो मुसीबत हम पर आई है, ये मेरी वजह से है। किसकी वजह से आई है जी? मेरी वजह से। याद रखिए, आपके वसीला से आपकी जिंदगी के अंदर भी बरकत आ सकती है और आपके खानदान के अंदर भी बरकत आ सकती है, और आपके वसीला से लानत जो है वो आपकी जिंदगी पर भी आ सकती है, आपके खानदान पर भी आ सकती है, और आपकी बस्ती पर भी, आपकी कौम पर भी आ सकती है। यहां पे लोग वो मजे से सो रहा है, उन्होंने जगाया और कहा कि उठ भाई, तू सो रहा है, तू भी अपने देवता को पुकार। उसने कहा जिस देवता को मैं मानता हूं, जिस खुदा को मैं मानता हूं, वो तो मुझसे नाराज है। वो क्या है जी? मुझसे नाराज है, क्योंकि मैं उसके हुक्म को तोड़ चुका हूं। जो कुछ उसने मुझे करने को कहा था मैं उस पर पूरा नहीं था। उसने मुझे भेजा था कहां पे? नैनवा को। तो मैं कहां पे चला गया हूं? तरसीस को। मैं इस जहाज में आकर, जहाज इस तरफ जाना था, वो जहाज दूसरा था, मैं इस जहाज में बैठ गया। मैं कहां पे जा रहा हूं? तरसीस को। उसने कहा कि अब क्या हो सकता है, क्या करें, चुपचाप बैठा हुआ है। तो सबने कहा कि कुरा डालो। आप देखिए जरा, कुर्रे का कंट्रोल जो था किसके हाथ में था? सोचिए जरा, कुर्रे का कंट्रोल जो था वो किसके हाथ में था? बताइए जरा, किसके हाथ में था? खुदा के हाथ में था। कुर्रे का जो कंट्रोल था वो खुदा के हाथ में था, और उस जहाज का कंट्रोल जो था वो किसके हाथ में था? वो भी खुदा के हाथ में। पानी का कंट्रोल किसके हाथ में था? तूफान का कंट्रोल किसके हाथ में था? लहरों का कंट्रोल किसके हाथ में था? इसका मतलब कि खुदा ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, ऊपर से खुदा का कंट्रोल है। याद रखिए, आपकी जिंदगी में आंधी है, तूफान है, कुछ भी है, खुदा आपकी जिंदगी को कंट्रोल किए हुए है। अगर आप उसके रडार के अंदर है तो फिर खुदा क्या करेगा? कंट्रोल करता है। खुदा कंट्रोलर है, खुदा कंट्रोल करता है किसको? मुझको और आपको, मेरी सोच को, आपकी सोच को, आपके ज़हन को, मेरे ज़हन को। खुदा जो है वो कंट्रोल कर रहा है किसको? कुर्रे को कंट्रोल कर रहा है। कुर्रा किसके नाम निकला? कुर्रा किसके नाम निकला? यूना के नाम निकला। किसके नाम निकला? यूना के नाम। यूना कौन था? यूना नबी था। और कहां से निकला? मनादी करने के लिए नैनवा के अंदर। खुदा ने कहां पे भेजा? नैनवा के अंदर। तो चला कहां पे गया? तरसीस के अंदर। डरता है कि मैं वहां पे जाऊंगा तो कत्ल किया जाऊंगा, वहां पे जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, वहां पे जाऊंगा तो फिर मेरा कुछ भी बचने वाला नहीं है। लेकिन याद रखिए, खुदा जो है कंट्रोल करता है। खुदा कंट्रोल कर रहा है किसको? कुर्रे को। खुदा कंट्रोल किसको कर रहा है? जहाज को। खुदा कंट्रोल किसको कर रहा है? लहरों को। खुदा किसको कंट्रोल कर रहा है? तूफान को। इसलिए याद रखें, अगर जिंदगी में ये सब कुछ चल रहा है तो कंट्रोल अगर खुदा के हाथ में, तो फिर आपको कुछ नहीं होता। हालात जैसे मर्जी हो, खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदा सब कुछ करता है। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि वो मेरे लिए सब कुछ क्या करता है? वो मेरे लिए सब कुछ करता है। और आप देखिए जरा, खुदा ने यूना को नैनवा के लिए भेजा। यूना जो था वो यहूदियों में कलाम सुनाता था, लेकिन खुदा जो है वो हर इंसान से प्यार करता है। बेशक वो दहरिया है, बेशक वो अबरानी है, बेशक वो यूनानी है, बेशक वो किसी भी मजहब, रंग, नस्ल से उसका ताल्लुक क्यों नहीं है, खुदा उन सबसे प्यार करता है। आप गुनाहगार हैं तो भी खुदा आपसे प्यार करता है। क्या लिखा बाइबल मुकद्दस के अंदर? यूना 3:16 बड़ी मशहूर आयत है, किसी को याद है? ये बाइबल मुकद्दस का दिल है। यूना 3:16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान है, जो कोई ने मुराद है, को किसी भी रंग, मजहब, नस्ल से आ जाए उस मसीह के पास, तो वो क्या पाएगा? निजात पाएगा। देखिए, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए याद रखें, खुदा जो था वो कंट्रोल कर रहा था। सारी चीजों का कंट्रोल खुदा के हाथ में था। समुंदर का कंट्रोल खुदा के हाथ में था। अब देखिए जरा, जब कुर्रा यूना के नाम निकला तब फिर उसने कहा कि मुझे पकड़ो और समुंदर में। जब वो भी डरे, उन्होंने कहा कि हम ऐसा क्यों करें, ऐसा जुल्म करेंगे, उसका इनके खून की बाज पूछ हम पर होगी। लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा कि नहीं, आप करो, क्योंकि मुझे खुदावंद ने किस जगह पे भेजा था? नैनवा में। और मैं कहां पे चला गया हूं? तरसीस को। इसलिए मेरे लिए ये कर दो। और देखिए जरा, वो पकड़ते हैं और समुद्र में फेंकते हैं, और एक बड़ी मछली जो है, और मछली को कंट्रोल कौन कर रहा है? मछली को कंट्रोल कौन कर रहा है? खुदा। इसलिए याद रखिए, अगर आप अब देखिए जरा, मैं थोड़ी आगे जाकर बात करूंगा दूसरे चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर यूना की बड़ी जबरदस्त दुआ जो उसने दुआ की थी मछली के पेट के अंदर जाकर। याद रखिए, हालात के जब आप अंदर घिर जाते हैं, जब आप उस समुंदर की लहरों के अंदर आ जाते हैं, जब आप उस तूफान के अंदर फंस जाते हैं, जब आपके कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता, तो उस वक्त फिर क्या होता है? दुआ ही जो आपको छुड़ा सकती है, बचा सकती है, या फिर खुदा के साथ में ला सकती है। या फिर यूना ने दूसरे चैप्टर के अंदर जो दुआ की थी बड़ी जबरदस्त है। लिखा था, अब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने दुआ की मुसीबत में और उसने मेरी सुनी। इसका मतलब क्या है? हम दुआ करते हैं, मुसीबत सारी सुनी नहीं जाती। क्यों नहीं सुनी जाती? मतलब यही है। क्या है कि सुनी क्यों नहीं जाती? सुनी इसलिए नहीं जाती क्योंकि हम उस तरीके से पुकारते नहीं जिस तरीके से योना ने फिर पुकारा था। लेकिन मैंने दुआ की और फिर उसने मेरी सुनी, मैंने पताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी, तूने मुझे गहरे समुंदर की तह में फेंक दिया और समुंदर ने मुझे घेर लिया। क्या कि मैं गहरी पताल के अंदर उस तह के अंदर चला गया था, लेकिन तूने मुझे क्या किया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे छुड़ाया, तूने मुझे वहां से निकाला है। और आप में से कोई कह सकता है कि मेरी जिंदगी में खुदा ने कोई काम नहीं किया? कह सकता है, कह सकता है कि मेरी जिंदगी में कोई खुदा ने काम नहीं किया? आप वो बताएं जो कह सकते हैं कि मेरी जिंदगी में खुदा ने बड़े बड़े काम किए। इसका मतलब कि हम सबकी जिंदगी में खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं। खुदा ने हमें उस तह से निकाला है, खुदा ने हमें उन मौजों से बचाया, खुदा ने हमें उस तूफान से छुड़ा लिया है, खुदा ने हमें उस समुंदर में से निकाला है, उस जबेले में से, उस भंवर में से निकाला है। खुदा निकालने की कुदरत रखता है, इसलिए उसने क्या कि दुआ की और खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया। और लेकिन सैलाब ने मुझे घेर लिया, तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर गुजर गई और मैं समझा। अब देखिए, जब आप हालात के रहम करम पे हो जाते हैं या फिर हालात के आप भंवर में फंस जाते हैं, तो फिर होता क्या है? दो तीन चीजें जहन तुम्हें तो आती हैं। हालांकि सब तो पहला लगता है कोई जिंदगी के विच गुनाह ता नहीं सुनी जा रही। हर बंदा ये सोचता हो, जब आपकी दुआ सुनी नहीं जाती तो फिर क्या सबसे पहले क्या लगता है कि जिंदगी के विच की आ गया कोई गुनाह ता नहीं सुनी जा रही। अच्छा, दूसरे नंबर पर लगता खुदा ने की कर देता है, छड़ ही दिया। खुदा ने मैं क्या कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन याद रखें, जब आप ये समझते हैं कि खुदा ने मुझे छोड़ दिया है, तो होता पता क्या है? होता यह है कि हालात इस कदर आपके अंगेस्ट है, इस कदर रास्ता जो है वो खारदार है, इस कदर रास्ता जो है उनमें कांटे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह आपको अपने हाथों पर उठाकर चल रहा होता है। आप उसके हाथों में होते हैं, वो आपको लेकर चल रहा होता है। इसलिए आप ये ना समझे कि खुदा ने मुझे छोड़ दिया। खुदा का बंदा यूना भी यही समझा। क्या कहता है? कहता और मैं समझा कि तेरे हुजूर से दूर हो गया हूं, लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। हालेलुया। मैं फिर देखूंगा, मैं फिर जाऊं तुझे देखूंगा। और आगे क्या लगा है? सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया, समुंदर मेरी चारों तरफ था, बहरी निबातात मेरे सिर पर लेट गई, मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया, जमीन के अड़बंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए। तो भी यह खुदावंद मेरे खुदा, तूने मेरी जान पताल से बचाई। जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावंद को याद किया। जब दिल बेचैन हो तो खुदावंद को क्या किया? जिसने याद किया, खुदावंद की हजूरी में वो झुक गया। और क्या है? जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावंद को याद किया और मेरी दुआ तेरी मुकद्दस हैकल में तेरे हुजूर पहुंची। हालेलुया। कहता मेरी दुआ तेरी हुजूरी में अब पहुंच गई है, तेरे कानों ने सुन लिया है, और अब तू क्या करेगा? उसका जवाब देगा, रिस्पॉन्स देगा। अब तू मुझे बताएगा, अब मुझे जो है छुड़ाएगा। लेकिन जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं वो शफकत से महरूम हो जाते हैं, खुदा की मोहब्बत से, शफकत से महरूम हो जाते हैं। जो गैर माबूदों के पीछे चलते हैं, जादू टूने पुलिस पता नहीं क्यों के दरबारों और पीरों और फकीरों और खानगाहों और कब्रों के पूजने वाले, तो क्या वो खुदा की शफकत से क्या हो जाते हैं? महरूम हो जाते हैं। लेकिन मैं हमद करता हुआ तेरे हुजूर कुर्बानी गुजार लूंगा। अब देखो जरा, ना कि सिर्फ तोबा की, ना कि सिर्फ खुदा को याद किया, ना कि उसकी शफकत को बयान किया, बल्कि वो क्या कहता है? मैं क्या करूंगा? कुर्बानी पेश करूंगा। क्या करूंगा? कुर्बानी। तेरी हुजूरी में कुर्बानियां पेश करूंगा, नस्लें चढ़ाऊंगा। और लिखा है मैं हमद करता हुआ तेरे हुजूर, यानी कि हमद की कुर्बानी पेश करेगा। और लिखा है मैं अपनी नस्लें अदा करूंगा, नजात खुदावंद की तरफ से। पहले चैप्टर में वो क्या करता है, खुदा के हुक्म से बाहर निकल जाता है, नैनवा की बजाय तरशीस को चला जाता है। और फिर दूसरे चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं तो कहां पे अजी वो मछली के पेड़ के अंदर, अब वो क्या कर रहा है, अब वो दुआ कर रहा है, अब वो तौबा कर रहा है, अब वो खुदा की नजात के इश्तहार बना हुआ है, मछली के पेट के अंदर ये सब कुछ कर रहा है। और याद रखें, जब आपकी जिंदगी के गिर्द घेरा तंग होता जाता तो आप समझ लें उस वक्त आप ऐसी हालत में, ऐसी जगह पे है जैसे यूना मछली के पेट के अंदर। आप तौबा कर सकते हैं, आप माफी मांग सकते हैं, आप खुदा की उस शफकत को बयान कर सकते हैं। और खुदा ने अगर आपकी जिंदगी के अंदर मुआवजे किए हैं तो उनको बयान कीजिए, उनको बताइए कि खुदा ये भी तूने मेरी जिंदगी में किया था, उस वक्त मेरी जिंदगी में ये सब कुछ था, हालात ऐसे थे, तूने मुझे वहाँ से भी निकाला है, अब भी खुदा जैसे हालात में मुझे रहने नहीं देगा, आप भी तो क्या रहेगा, मुझे इसमें से निकाल लेगा। अब देखिए जरा आगे क्या होता है। आगे ये होता है कि खुदा के कंट्रोल के अंदर है मछली। वो 3 दिन का सफर किया और मछली ने क्या किया, फिर नैनवा में पहुंचा दिया। अब जब आंख खुलती है, जगह देखता है तो वो कौन सी जगह है जी, नैनवा। तो चला कहां पे गया था, तरशीस को। आज याद रखिए, बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर खुदा जो है ना बड़ी गहरे तौर पर वो सज्जे जान खब्बे जान उदार और डांस सोटा मार के फिर उठे रहे। पता क्यों, क्योंकि खुदा उनसे वादा कर चुका होता है कि जब तक मैं तुझसे अपना काम ना ले लूं हरगिज़ तुझे नहीं छोड़ूंगा। उन्हें तक खुदा नहीं छोड़ता जिन्हें तक वो काम अपना लेगा नहीं, वो जितना मर्जी जाए खुदा और टूट के फिर होते जाएगा। अब इसके साथ ऐसा ही था, खुदा ने इससे अपना काम लेना था और ये तरशीस को भागा हुआ, लेकिन खुदा ने क्या किया, फिर नैनवा के अंदर। अब जब नैनवा के अंदर मनादी क्या करता है, आकर मनादी करता है। तीसरे चैप्टर की जब हम 34 आयत को पढ़ते तो लिखा, और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला, उसने मना बर्बाद नैनवा जो है वो तबाह होने वाला है। अब वेट कर रहा है। याद रखिए, बहुत सारे लोग जो है आपकी बर्बादी का वेट कर रहे थे, लेकिन याद रखिए आप बर्बाद नहीं हो सकते जब तक खुदा ना करे। लोगों का क्या करते रहते हैं बर्बाद। दुश्मन जो होता है ना वो सोने से पहले क्या करता है, अपने दुश्मन को मार के फिर सोता है। क्या लाज, मार के सोता है, उसका नहीं सोता, वो नींद नहीं आती, अपने दुश्मन को मार के वो नींद आती। लेकिन याद रखो कि बहुत सारे लोग, बल्कि लिखा बाइबल में दस के अंदर लिखा कि आपके जो दुश्मन होंगे ना आपके घर ही के लोग होंगे। अब ये भी वेट कर कि बस बर्बाद होने वाला शहर, वेट है। अब 40 दिन भी पूरे हो गए तो नैनवा बर्बाद ही नहीं हुआ, नैनवा तबाह नहीं हुआ। और अब ये नाराज हो गया खुदा से। क्या हुआ जी, नाराज। मैंने प्रोफेसी की, प्रोफेसी पूरी नहीं हुई। नैनवा क्यों नहीं बर्बाद हुआ, नैनवा को बर्बाद हो जाना चाहिए था। खुदावंद मैंने तुझे वहां पे नहीं कहा था कि तू गफूर और रहीम है, तू माफ कर देने वाला है, तू तरस खा जाएगा, तू उनको माफ कर देगा। मैंने तो तुझे वहां पे भी कहा था, और आप देख रहे तूने वही किया है कि तूने क्या किया है, रहम कर दिया, तूने तरस खा लिया, तूने माफ कर दिया, वो बर्बाद ही नहीं हुआ। अब इसकी बैकग्राउंड जरा देखिए, बर्बाद क्यों नहीं हुए वो लोग, क्यों शहर को बच गया। बाइबल मुकद्दस में जब हम 5वीं आयत को पढ़ते हैं, 3रे चैप्टर की 5वीं आयत को, तो लिखा है तब नैनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मनादी की और अदलो आला सब ने टाट उड़ा। यानी बादशाह ने टाट ओढ़ लिया, खाकसार हो गए, घुटनों के बाल हो गए, जिंदा खुदा यहोवा खुदा को पुकारना शुरू कर दिया, यूना के खुदा को पुकारना शुरू कर दिया। खुदा ने यह कहा था कि क्या हो जाएगा अगर वो तौबा ना करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। अब इन्होंने तौबा कर ली, खाकसार बन गए, रोजा रखा और खुदा की हजूरी में रोना चढ़ाना शुरू कर दिया। बल्कि यहाँ तक उन्होंने डांट उड़ा लिखा है कि उन्होंने इंसान हैवान सबने जो था वो रोजा ही रख लिया। और आप जानते हैं खुदा के इरादे जब चेंज हो जाते हैं, खुदा अपने इरादों को बदल लेता है। खुदा का इरादा जो था वो बदल गया। किसके लिए? नैनवा शहर के लिए, नैनवा के लिए। आप अपने आप को समझें जरा, नैनवा, मैं क्या हूँ जी? नैनवा है जी, बर्बाद होने वाला। खुदा ने क्या कहा? तोबा कर, खाकसार बन जा, रोजा रख, दुआ कर, तो तू क्या बच जाएगा, तू फिर से बहाल हो जाएगा। खुदा नैनवा को बहाल करने की कुदरत रखता है। खुदा ने फिर से, लेकिन ये नाराज है। यूना क्या जी? नाराज, साहब नाराज है। आप जो है क्योंकि शहर बर्बाद नहीं हुआ, मरादी की है, प्रोफेसी की है, कलाम सुनाया है, लेकिन बर्बाद नहीं हुआ। खुदा के सिखाने का फिर अपना तरीका है, बताने का फिर अपना तरीका है, सिखाने का अपना तरीका है। अब देखिए जरा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार किसके पास है? खुदा के पास है। यीशु मसीह ने कहा हमारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। तौबा करने वाले शख्स पर वो क्या करता है? रहम करता है, तरस करता है। जिस तरह नैनवा के लोगों ने मनादी की और नैनवा के 6 लाख से ज्यादा लोगों ने तौबा की। कितने से जी? 6 लाख से ज्यादा लोगों ने क्या कर दी? तौबा की। अब देखिए जरा, खुदा ने अब्राहम को क्या कहा था सदूम और अबूरा के लिए कि कितने लोग मिल जाएंगे जी? 10 लोग। अगर वहां पे 10 लोग भी मिलेंगे तो मैं क्या कर दूंगा जी? उस शहर को बर्बाद नहीं करूंगा, सदूम और अमूरा को बर्बाद नहीं करूंगा। 10 लोग नहीं मिले, यहाँ पे 6 लाख से ज्यादा लोगों ने तौबा कर ली। तो खुदा ने क्या किया? वहां पे 10 लोग नहीं मिले, यहाँ पे 6 लाख से ज्यादा लोगों ने खाकसारी, टाटोरा, आंसू बहाए, रोजा रखा, खुदा की सूरी में रोए और चलाए, मावेला किया, अपने गुनाहों का इकरार किया, माफी मांगी, और खुदा ने क्या किया? खुदा ने माफ कर दिया। बाधा कहां पे है? तरसीस। आज का ये जो स्पेन है ये तरसीस ही है। स्पेन ये तरसीस है आज के मौजूदा दौर का। अब जब यूना नाराज हो गया, खुदा ने अदालत भी लगाई। वहां पे 1,20,000 लोग थे जो इम्तियाज ही नहीं कर सकते थे, छोटे बच्चे। खुदा उन पर रहम करता है। आप देखिए जरा, बेशुमार मुआशी वहां पे थे, बेशुमार बच्चे वहां पे मौजूद थे उस शहर के अंदर। खुदा जानवरों की फिक्र करता है, खुदा शेरखुआर बच्चों की फिक्र करता है, खुदा उन लोगों की जो इम्तियाज ही नहीं कर सकते अच्छे बुरे की, खुदा उनकी फिक्र करता है। तो फिर सोचिए मेरा और आपका खुदा मेरी और आपकी कितनी फिक्र करता है जी। वो जानवरों की फिक्र करता है, नापाक परिंदों की वो फिक्र करता है। दिखा नहीं बाइबल के अंदर? उन कौवों को देखो, उन चिड़ियों को देखो, खुदा उनकी फिक्र करता है, नापाक परिंदों की, नापाक जानवरों की खुदा फिक्र करता है। तो आप तो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, तो फिर मेरा और आपका खुदा जो है वो हमारी फिक्र कितनी करता होगा? सोचिए जरा, कितनी करता होगा? बहुत ज्यादा करता होगा ना। बल्कि क्या लिखा है? वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। आप सो रहे हो तो खुदा आपका काम कर रहा है। यकीन माने मेरी जिंदगी में खुदा ने बड़े बड़े जबरदस्त बड़े बड़े काम किए, और बहुत सारे ऐसे काम जिनको मैं सोचता भी नहीं था खुदा ऐसे कर देता था। बहुत सारे लोगों, बहुत सारी चीज़ों को मैं सोचता था और खुदा वो भी कर देता। मैं खुदा की सूरी में खुश हूँ इसलिए उसने मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम जिसको मैंने कहा होगा ना होगा, मैंने आज तक नहीं कहा ये ना होगा। मैं कहता हूँ खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मुझसे भी ज़्यादा बेहतर होता है, खुदा मेरे लिए सब कुछ करता है। वो कहता करता है, मेरे लिए तो ऑलरेडी करता है हालेलुया। ऐसे याद रखिए, खुदा जानवरों की फिक्र करता है, मालवाशियों की फिक्र करता है, और अगर आप उससे प्यार करते हैं वो आपसे प्यार करता है। आप ना भी उससे प्यार करें फिर भी वो आपसे प्यार करता है। ये उसका फजल है, आम फजल है, और हमने इस आम फजल के अंदर नहीं रहना बल्कि खास फजल है, उसके अंदर जाना है। आम फजल तो सब पर होता है, बेशक वो खुदा को जानता है नहीं जानता, चर्च जाता है नहीं जाता, दुआ करता है नहीं करता, वो क्रिश्चियन है या नहीं है, उसका फजल तो सब पर है। आम फजल क्या है? देखिए, बारिश होती है तो सब पर ही होती है। देखा कभी गुनाहगार का घर जो है उसके घर में बारिश ना हुई? देखा कभी उसके घर में भी बारिश ना हुई? या फिर देखा हो कोई ऐसा गुनाहगार बंदा तो उसके घर के अंदर सूरज ही नहीं आया, निकला ही नहीं है, सूरज चमका ही नहीं, धूप नहीं आई, ऐसा कभी देखा? तो ये तो उसका फजल है, उस पर भी सूरज, उसके घर में भी सूरज, आसपास के घर में भी सूरज, बारिश भी ऐसे ही। तो आम फजल है, ये खास फजल है, और उस खास फजल के अंदर जाना है, आम फजल के अंदर नहीं रहना। अब यहाँ पे देखें जरा, 30वें चैप्टर में हमने देखा कि लोगों ने क्या की, मनादी की, लोगों ने तौबा की, उस मनादी पर ईमान ले आए, उस कलाम को कबूल कर लिया। बादशाहों ने, आम लोगों ने, सब ने मनादी की कि भाई तौबा कर लो क्योंकि शहर तबाह होने वाला है। लेकिन शहर तबाह नहीं होगा। योना जो है वो नाराज है, उससे में जरा 4थे चैप्टर को पढ़िए, वहां पे पता क्या लिखा है? लिखा है, लेकिन यूना इससे नहायत नाखुश और नाराज हो। उसने खुदावन से यूं दुआ की, ऐ खुदावन, जब मैं अपने वतन में ही था तब तरसीस को भागने वाला था, तो क्या मैंने यही ना कहा था, मैं जानता था कि तू रहीम व करीम खुदा है, जो कहर करने में धीमा और शफकत पे घनी है और अजाब नाज़िल करने से बाज़ रहता है। अब ऐ खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मेरी जान ले। तेरी बात पूरी नहीं हुई, वो कलाम जो मैंने लोगों को जाकर सुनाया था वो पूरा नहीं हुआ, लोग बर्बाद नहीं हो रहे, शहर बर्बाद नहीं हो रहा, तो तुम मुझे मेरी जान ले, तुम मुझे ही मार दे, क्योंकि मेरी बात पूरी नहीं हो रही, मेरी बात पूरी तरीके से नहीं मानी है। अब क्या करते हैं? मेरी जान ले ले, अपने आप को क्या करना कि मेरी जान ले ले। और आप देखिए जरा, शायद बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ऐसा वक्त आता हो जिसमें कहते हैं बेहतर है बाहर नहीं जाना, है जी, इधर चंगा है, मौत ही आ जाते हैं। और आप देखिए जरा, यहाँ पे भी कह रहा है कि आप क्या कर, मेरी जान ले ले। अब आगे जरा पढ़िए, क्योंकि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। तब खुदावंद ने फरमाया, क्या तुम ऐसा नाराज है? और यूना शहर से बाहर मशरक की तरफ जा बैठा और वहां अपने लिए एक छप्पर बनाया, यानी कि साया बना के ना तो बैठ गया। अब खुदा के सिखाने का तरीका जरा देखिए, खुदा ने क्या किया, कद्दू के एक पेड़ लगा और वो रातों रात उगी, उसने उसके ऊपर इतना साया दिया, गर्मी बड़ी थी, आप वो एंजॉय कर रहे हैं जी, खुश है कि आप ऊपर छाया है, आप धूप नहीं है, अब कोई गम नहीं है, अब कोई दुख नहीं है, अब कोई परेशानी नहीं है, अब कोई मुसीबत नहीं है जी, अब मैं आराम में, अब सुकून में, क्योंकि अब साया जो है वो मेरे ऊपर है। और अगले दिन खुदा ने क्या किया, एक कीड़े को भेजा, उसने क्या कर दिया, उस बेल को तबाह बर्बाद कर दिया, बेल से उगी कर दिया उसने। अब भी नाराज, खुदा से नाराज है, ये क्या कर दिया, ये बेल चली गई है, साया खत्म हो गया है, अब मेरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। खुदा ने फिर उसे सिखाया कि तू बता, तूने वहीं से इस बीज को उगाया था, तूने कोई पानी दिया, कोई गोडी की, तूने भराया? कहने लगा कुछ नहीं किया, अपने आप ही उग गई है। क्या किया जी, अपने आप ही उग गई है, अपने आप ही साया कर दिया। तो फिर खुदा ने कहा, फिक्र किस बात की है, नाखुश क्यों है, क्योंकि तूने मेहनत ही कुछ नहीं की। अब देख, इसके सूखने का, इसके साया चले जाने का तुझे इतना फिक्र है, इतना दुख है, देखा नैनवा के अंदर शीरख्वार जो बच्चे थे, इतने लोग जो छाई बुराई की तमीज नहीं कर सकते, इतने लोग जो कि तौबा कर चुके हैं, ईमान ला चुके हैं, मनादी को कबूल करके, उस कलाम को कबूल करके उन्होंने मुझे कबूल कर लिया, बेशुमार मुआशी, तो क्या मैं उनकी फिक्र ना करता? मुझे उनकी फिक्र थी। तो जिस बेल की इतनी फिक्र है तो मुझे उनकी इतनी फिक्र क्यों नहीं हो सकती? मुझे उनकी भी फिक्र है। तुझे बेल की फिक्र है, मुझे मेरे लोगों की फिक्र है। तुझे बेल के जाने का गम है, सूख जाने का गम है, मुझे उन माल मुआशी और शीरख्वार बच्चे और ऐसे लोग जो इम्तियाज नहीं कर सकते अच्छाई बुराई, मुझे उनकी भी फिक्र है। क्या मैं उन पर रहम ना करता? क्या मैं उन पर तरस ना करता? तुझे इस तकलीफ से बचने के लिए साया मिल गया। तो वो लोग जो तकलीफ में करा रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, आंसू बहा रहे थे, तौबा कर रहे थे, माफी मांग रहे थे, क्या मैं उनकी तकलीफ को ना देखता? क्या मैं उनकी फिक्र ना करता? क्या मुझे उनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए? आप सही जगह पे आ गए जी। बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, बहुत से लोग प्रोफेसी करते हैं। तो बहुत से लोगों की प्रोफेसी अगर पूरी नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोफेसी गलत हो गई। हाँ, सही प्रोफेसी हो, खुदा की तरफ से हो, तो वो गलत हो नहीं सकती, वो नहीं गलत हो सकती। खुदा की तरफ से हो, खुदा ने कहा, तो फिर खुदा ने उस प्रोफेसी को पूरा कर लिया। मुझे अच्छे से याद है, मैं जब बाईफान के इलाका में गया, बाईफान की नानी थी, हाँ जी, बाईफान की नानी बीमार थी, बातें मुझे कह रही थी असल। मैं गया तो मैंने दुआ की, और अब खुदा ने मुझे बता दिया कि इसकी ना डेथ हो जाएगी। अगले दिन ना ईद थी, मैं उसमें भाई हुई, तो मैं दुआ करके वापस निकला, खुदा ने मुझे बता दिया। तो भाई फान पूछने लगा कि भाई जी बताएं ज़रा। मैंने कहा कल ईद है, तो असी ईद पढ़ा के भाई जरा, तो अली नानी ईद पढ़ने गाना, और हम दुआ कर रहे थे किसी फैमिली के अंदर जाकर, दरअसल दूसरी गली में तो दूर ही था। अब मैं देख रहा हूँ, मैं भाई फान को, हमने एक दो की थी, हमने गाए, तो मैं भाई फान को कह रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि बंदा आ रहा है पैगाम लेकर कि माँ की डेथ हो गई, और अभी हमने तीसरा गीत शुरू किया तो बंदा आ गया, उसने आकर बता दिया कि माँ की डेथ हो गई है। अब मैंने ना इसको कहा, मैंने कहा भाई ना हूँ किसी ने ना सुना, ऐसा ना काम नहीं होता। इसने शेखपुरा के अंदर एक फैमिली को बता दिया, उन्होंने मुझे बुला दिया, मैं आया, वो कहने लगे कि भाई साहब हमारे ना बुजुर्ग है, बीमार पड़े हैं, तो दुआ करे। मैंने तो दुआ की, अब मुझे नहीं पता था, इसने बता दिया। अब मैं निकलने लगा तो कहने लगे कि भाई साहब बाबा जी कितना अच्छे सुना है। क्या मैं क्या बिल्कुल की पता हूँ, कह लगे सानू भाई इरफान ने दसिया जी, दस दिन दे देते। मैं क्या अगर खुदा कहे तो फिर बताऊँगा, अगर खुदा ने कहे तो मैं भी कौन होता हूँ। अब खुदा ने मुझे वहाँ पे बता दिया कि अभी कम से कम जो है ना 2 हफ्ते आपने इसकी सेवा करनी है। तो मेरा करके 15वें 16वें दिन में उसकी डेथ हो गई। तो अब उसका जनाजा वहाँ पे था, मुझे कहना कि बाबा जी चले गए, आ जाओ। मैं कहना नहीं जाना, उन्होंने कहना ही भाई साहब आए। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने प्रोफेसी कर दी वो पूरी होगी। हाँ, खुदा उस पर रहम करता, तरस करता, माफ करता। उनकी उम्र बढ़ भी सकती थी, अगर हिस्की की उम्र बढ़ सकती थी, उसकी भी बढ़ सकती थी। डॉक्टर ने मुझे आज से कोई 23 साल पहले जो था, वो डॉक्टर ने कहा था कि तेरी डेथ हो जाएगी, तू मर जाएगा, 3-4 दिन ही तू जिंदा रहेगा। और मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि 23 साल पूरे हो चुके हैं, उसके बाद मैं जिंदा हूँ। डॉक्टरों ने ये कहा, डॉक्टर कुछ कह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यूना ने मनादी की, यूना ने जाकर प्रोफेसी की, तो वो नाराज इसी बात से था, प्रोफेसी भी पूरी हुई। बात नहीं पूरी हुई, जो कहा था वो हुआ क्यों नहीं है, तबाह क्यों नहीं हुआ। याद रखिए खुदा आपकी फिक्र करता है, खुदा मेरी फिक्र करता है। आज हमने सीखा है पहले चैप्टर में यूना जो है वो खुदा की हजूरी से भाग गया, और फिर दूसरे चैप्टर में हमने सीखा ये वो मछली के पेट के अंदर है और क्या कर रहा है, दुआ कर रहा है, तौबा कर रहा है। और फिर तीसरे चैप्टर में हमने देखा कि नैनवा शहर के अंदर मनादी होती है, तौबा, शफकत, मोहब्बत, लोगों का जज्बा। हमने देखा कि लोगों ने जज्बे के साथ तौबा की, माफी मांगी। और चौथे चैप्टर में हमने देखा है कि यूना गुस्से में है, नाराज है, नाखुश है, खुदा के बगैर भाग रहा है। अब जो है ना खुश नहीं है। अब देखिए जरा, शागिर्द जब कश्ती के अंदर थी तो तूफान आया कि नहीं जी? वो बोलो तो सही ना, बोले सो सो के मना सोनी हो गए हाँ जी। जब यीशु मसीह और शागिर्द कश्ती के अंदर थे तो तूफान आया कि नहीं आया? यीशु कश्ती के अंदर था कि नहीं? अच्छा, बहुत सारे लोग ना कहते अगर यीशु हमारे साथ है ना तो फिर कोई तूफान नहीं आता जी, कोई परेशानी नहीं आती, कोई दुख, कोई मुसीबत नहीं आती। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उस गलत फैमिली से निकल आए, उस खुश फैमिली से निकल आए। जब तक दाऊद जो था वो भेड़ बकरियाँ चराता था, कोई उसका दुश्मन था? बताओ जरा, कोई दुश्मन नहीं था, क्योंकि वो भेड़ बकरियाँ चराता था, अपनी मौज मस्ती में रहता था, कोई काम, कोई फिक्र, कोई दुश्मन, कोई भी इंसान उसका दुश्मन नहीं है। लेकिन जब वो यीशु मसीह के साथ चलना शुरू हुआ, जब खुदा के चरणों में आ गया, जब खुदा ने उसे अपने लिए ले लिया, तो फिर तो मेरा ख्याल कोई भी दुश्मन नहीं होना है जी। दसो तो सही ना, फिर दुश्मन ज्यादा हो गए, हालात बिगड़ गए, फिर ज्यादा परेशानियां, लोग भी खिलाफ, हालात भी खिलाफ, काराले भी खिलाफ, बच्चे भी खिलाफ, सारे खिलाफ। तो पहला ठीक से जो खुदा के नाम चलना शुरू होया तो फिर सारे खिलाफ। ऐसे याद रखिए कि जब आप यीशु के साथ चलते हैं तो उसी वक्त आप उस गम, उस दुख, उन मुसीबतों, परेशानियों में, आप ये दुख, मुसीबतें, परेशानियाँ इसलिए नहीं आती कि आप तबाह हो जाए, आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आती, बल्कि क्या आपको मजबूत करने के लिए आती, ताकि आप मजबूत हो सकें, हालात का मुकाबला कर सकें, खड़े हो सकें, और खुदा हजूरी में आकर जो है वो आप दुआ कर सकें। याद रखिए कश्ती के अंदर शागिर्द भी थे, यीशु भी था, तूफान आया। जब आप यीशु के साथ चल रहे होते हैं तो गम, दुख, मुसीबतें, परेशानियाँ आएंगी। डर गफजदा ना हो, बेदिल ना हो, बल्कि खड़े हो जाए, क्योंकि खुदावंद आपको मुहैया करेगा, प्रोवाइड करेगा, खुदावंद आपको बढ़ाएगा, छुड़ाएगा। अच्छा देखिए जरा, पतरस जो है वो कैदखाने के अंदर है, क्या खुदा उसको नहीं बचाता? बचाता, उसको भी बचा लेता है, खुदा मुझे और आपको भी बचा लेगा। अब देखिए जरा, बहुत सारे लोग जो थे ये कह रहे थे कितनी बड़ी मछली हो नहीं सकती। और ये अमेरिका का शहर फ्लोरिडा है, वहाँ पे 35 फुट मछली जो है वो मिली है। अब जब मिली यार तो कहने लगे कि नहीं, जो यूना की किताब है वो इल्हामी किताब है। अब वो मानते हैं कि मछली है, पहले इतनी बड़ी मछली हो नहीं सकती, लेकिन अब जब 35 फुट की लंबी मछली मिली है तो अब वो कहते हैं कि ठीक है। अब देखिए जरा, हनोक जो है वो 365 साल खुदा के साथ साथ चलता रहा। मुबारक है वो आदमी जो खुदा के साथ चलता है, खुदा की राहों पर ध्यान करता है। देखा, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात तेरा ध्यान इसी पर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो आप नबियों के साथ मुलाकात करते हैं, आप यीशु मसीह के साथ मुलाकात करते हैं, आप 39 मुसन्निफीन के साथ मुलाकात करते हैं, 39 मुसन्निफीन को जो कंट्रोल कर रहा था पाखरू, आप उसके साथ मुलाकात करते हैं। इसलिए कलाम मुकद्दस को पढ़ते रहिए। क्या लिखा है मत्ती 12 चैप्टर के अंदर? क्या लिखा है? लेकिन नैनवा के लोगों को मुजरम ठहराएंगे। फिर चलिए जरा मत्ती की अंजील के अंदर जो हमने कहा था हवाला क्या लिखा है 41वीं आयत के अंदर, देखिए नैनवा के लोग अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर उनको मुजरिम ठहराएंगे क्योंकि उन्होंने यूना की मनादी पर तोबा कर ली। और देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। यीशु मसीह फकीर और फरीसियों को बता रहे थे कि मैं यूना से बड़ा हूं। यूना ने जब मनादी की तो नैनवा के लोगों ने उस मनादी को कबूल कर लिया, लेकिन नैनवा के लोग इस जमाने के लोगों से उनको मुजरिम ठहराएंगे, कहेंगे कि तुमने क्यों यीशु मसीह की मनादी पर तौबा नहीं की। लिखा कि वो उनको क्या ठहराएंगे, मुजरिम ठहराएंगे। और देखो यहां वो है जो यूना से भी बड़ा है। दक्कन की मलका अदालत के दिन उस जमाने के लोगों के साथ उठकर उनको मुजरिम ठहराएगी क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई। और आप देखें जरा, ये दक्कन की जो मलका थी, इसने सुलेमान बादशाह अपने जमाने का बड़ा बादशाह, उससे उसके बाद कोई बड़ा बादशाह जितना वो बन चुका था, उसकी शोहरत सुनी उस दक्कन की मलका ने, उसकी बात सुनी, उसके नौकरों के बारे में सुना, उसके खाने पीने, उसके चाल चलन, उसके सब के बारे में सुना। और उसने सुना और सुनकर आ गए। और लिखा यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। तो वो दक्कन की जो मलका है वो क्या कह रहा है कि उनको मुजरम। और देखो यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। जैसे याद रखिए यीशु मसीह की मनादी पर अगर आप ही मांगे लाएंगे तो फिर नैनवा के लोग उठेंगे, दक्कन की मलका उठेगी और फिर क्या ठहराएगी, मुजरिम। याद रखिए कि नैनवा के लोग लिखा कि तुम क्या ठहराएंगे, मुजरिम। यहाँ यूना से भी बड़ा है जो कहता कि मैं मर गया और देख अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद हमेशा जिंदा रहूंगा, मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास है, मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। खुदा आज भी चाहता है कि आप गैर कौमों में जाए, गैर कौमों में मनादी करें, जहाँ भी मौका मिल जाता है। जरूरी नहीं आपको स्टेज ही मिले, आपके बहुत सारे ऐसे कनेक्शन है ऐसे लोगों के साथ, रिलेटिव है, आप उनके साथ मिलते हैं, जॉब करते हैं, आप उनमें मनादी कर सकते हैं। अच्छा वो देखिए गाने में कि जल्दी जल्दी से क्या कह रहे हैं, कलमा पढ़ लो, मनादी करते हैं। क्या आपने कभी ऐसी मनादी की? मिलते जुलते हैं, खाते पीते भी हैं, आते जाते भी हैं, मनादी नहीं करते, डरते हैं कि कितने फांसी ना लगा। याद रखिए जहां पे भी आपको मौका मिले आप वहां पे कलाम सुनाए। मैं कोयटा में जा रहा था, सफर कर रहा था, तो मेरे साथ एक भाई था बैठा हुआ, काफी पढ़ा लिखा शख्स था और मैं हमेशा कहता हूँ तो उस बंदे का एड्डा बड्डा देना सुनता है, उसके लिए दुआ ही करता। और कोयटा तक सफर करते करते मैंने खूब अच्छे तरीके से यीशु मसीह की बाबत बताया, यीशु मसीह के बारे में बताया, यीशु मसीह कौन है, निजात देने वाला कौन है, कौन आने वाला है, और फिर अपने लोगों को साथ लेके जाना है। मैंने नई नई मनादी शुरू की, उस वक्त मेरी खिदमत के कुछ 6-7 साल थे, तो उस वक्त भी मेरे ऊपर केस बना, लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए, मेरे अपने बस्ती के लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए, मेरे और दूसरे 2-3 गाँव थे वो भी खिलाफ खड़े हो गए, जुलूस निकले, इश्तहार बने, बड़ा कुछ हुआ, मुझे मारने के लिए लोग आ गए। और मैंने 2-3 वर्ष वहाँ पे बोले कि वो हथियार जो मेरे खिलाफ बनाया गया है ना वो उसको चलने नहीं देगा, वो कामयाब नहीं होगा, तो किसी काम का नहीं है। एक और जो मुझे बड़ा अच्छा हवाला लगता था, अब भी लगता है कि यहोशुआ के ज़माने में बनी मुआब, बनी यमून और खुशरीर के लोग जब प्रोपोगंडा करके उसको मारने के लिए आए तो फिर उस वक़्त खुदा ने उनमें रखना डाल दिया और वापस में लड़ के मारे और वो महफूज है। वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता चला जाता है। लिखा है कि आपके दुश्मन आपके सामने आजिज़ हो जाएंगे, मतलब के झुक जाएंगे। और मैंने यही 3-4 वर्सेस बोली, मैंने कहा कि जो त्यार मेरे अपना बनाया गया बोली चाहिए। और खुदा जो है वो जरूर जो है वो इसका हिसाब लेगा। और यकीन माने अगले ही दिन वो मुझे कह रहे थे आप इबादत ना करना, और मैंने अगले ही दिन मैंने कहा 7 बजे हमारी इबादत होती है, हम 7 बजे करेंगे। और कोई 18-19 लोग थे वो जो मुझे मारने के लिए आए थे। तो अगले ही दिन खुदा ने ऐसा किया, उनके ऐसे उनमें रखना डाला तो हुआ क्या, वापस में लड़ के मार गए। एक तो बंदा 6 महीने के बाद कौमे से बाहर निकला और मैंने अगले दिन 7 बजे फिर बना दी। और उस वक्त मेरे ऊपर केस बना, वो फैमिली भी यहाँ पे आ गई, अंकल जरीर खान उस वक्त थे। तो उन्होंने फिर मैंने वहाँ पे आया, उनसे मिला, फिर मेरा केस लगा, फिर खुदा ने मुझे पेपर दी, फिर सिक्योरिटी लग गई और खुदा ने फिर से बचा दिया। याद रखिए जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो हालात हमेशा खिलाफ ही रहेंगे, लोग आपके खिलाफ होंगे, बातें तरह तरह की निकलेंगी, लेकिन आप साबित करते रहिए खुदावंद आपको बहाल करेगा, खुदावंद आपको छुड़ाएगा। मनादी कीजिए जहाँ पे भी खुदावंद आपको मौका देता है, आप वहाँ पे मनादी कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि आप जिंदगी पाएँ और कितनी जिंदगी पाएँ, थोड़ी सी कसरत की जिंदगी पाएँ, ऐसी जिंदगी जो ना ख़त्म होने वाली है, ऐसी जिंदगी जो कभी ख़त्म नहीं होती, आप वो जिंदगी पाए। इसे याद रखिए, हम ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जो कंट्रोल करता है, किसको, कुर्रे को, जहाज को, तूफान को, आंधी को, जो कंट्रोल करता है समुद्र की लहरों को, जो कंट्रोल करता है उस मलाह को, जो कंट्रोल करता है उस जहाज को, जो कंट्रोल करता है इस दुनिया के सारे सिस्टम को। हालेलुया, वो मुझे और आपको कंट्रोल करता है। आइए खुदा आपको कहना शुरू करें कि खुदा तू मुझे कंट्रोल कर, यस तेरा कंट्रोल मुझे। जो लोग चाहते हैं कि हमारे लिए दुआ की जाए वो अपने को मत करें, मुझे बाकी जाए। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और खुदा की हजूरी में अपने आप को पेश करना शुरू करें। दुआ करना शुरू करें, तब आपको मैं बोल सकता हूँ। आइए कहना शुरू करें, दुआ और मुझे कंट्रोल करें। मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ कि तेरा कंट्रोल मुझ पर हो, मेरी सोच को, मेरे जहन को, मेरे ख्यालों को ले। जानवरों की फिक्र करता है, नापाक परिंदों की फिक्र करता है, वैसे लोगों की फिक्र करता है जो तुझे बिल्कुल नहीं जानते, जो तुझे नहीं मानते, जो तेरे चरणों में झुकते नहीं, उनकी भी फिक्र करता है। तू हमारा खुदा है। आइए बोलना शुरू करें, तेरे रूह से मैं तुझे बड़ा और फलदार करूंगा और तुझे ताला और दरख्त बनाऊंगा। दुआ करते चले जाए, मुझे नहीं पता खुदा किसके लिए बोलना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि खुदा मेरे लिए बोले तो आपको जरूरत है खुदा से बात करें। जनाब आप बढ़ाए हैं तो अपनी बड़ी बड़े उसूल में खुदा के मनसूबे तुझे भरा होगा फलदार करूंगा। अपना दिल बोझ से लगा, मुझे तेरी फिक्र है, गुस्साली का मौसम नहीं लगा। जैसे आप कलाम सुन रहे थे तो उस वक्त आप सोच रहे थे हम मेरी तो फिक्र नहीं करता, लेकिन जब आपने कलाम सुना को समझ आए कि खुदा फिक्र करता है, खुदा हर इंसान की फिक्र करता है। माइटी नेम जीसस, माइटी नेम जीसस, माइटी नेम जीसस। खुदा अपनी बड़ी कुदरत की वसीला से अपनी हजूरी अपनी कुदरत में चला हर तरह से खुदा माइटी नेम जीसस। यीशु मसीह के नाम से तमाम तरह के चोट, तमाम तरह के बंधन, सारी कमजोरियां दूर हो जाए। हमारी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम हुआ तो बेटा यीशु की शूटिंग के अंदर सारे अबलीस के अंदर सारे अबलीस के अंदर अभिषेक का जो के अपने पाप धर्म का आहार यीशु मसीह के नाम तेरी बड़ी तरह मसाला बड़े बड़े गमों दुखों मुसीबतों बीमारियों से उन बदरूहों से आजाद किया। यीशु मसीह के नाम में बेटी को और ज्यादा हर तरह से उसके खानदान घर पर और आपके नाम और जीवन इसके बारे में बात करता है। के नाम में अपने इसके सारे बैलेंस सारे जुड़े टूटे यीशु मसीह के नाम में माइटी नेम जीसस अल्लाह बड़ा शिकार मना सारे चुनाव सारी बीमारी सारी दुख सारी दर्द सारी परेशानी जय यीशु के नाम में छोड़ दे हमेशा से इबादत करना बंद करना यीशु बोल रहा है यीशु मसीह के नाम में रब दुआ अपनी कुदरत के वसीले से कि बेटी को और साथ का हिस्सा हमारा सब कुछ सारे यीशु मसीह नासिक के नाम में तो अपनी बेटी को भी खुदावंद हर तरह के दुख से मरद से यीशु नासिक के नाम में उनको हुक्म करते हैं अपनी रक्षा कर तमाम तरह की कुवतें तमाम तरह के लानतें तमाम तरह के अबलीस के मंसूबे भागे यीशु के नाम में छाए छुए यीशु नासिक के नाम में खुदावंद अपनी बेटी को बेटी यीशु नाम में बेटी यीशु नाम में खुदावंद हर तरह से खुदावंद अबलीस के सारे बैठे अबलीस के सारी कुमते और हर तरह की दर्द तकलीफ तेरे बेटे के सुनाम एक खानदान घर पर माइटी नेम जीसस यीशु मसीह नासिक के नाम पर यीशु नासिक के नाम में शैतान के सारे मंसूबे किसी काम पर भी काम कर देश पर इसके आने वाले बेटी पर बच्चे पर कि नस्ल पर यीशु के नाम उसको बांध देते हर तरह से खुदावंद उसकी सारी तस्वीरों को यीशु का पहुँचे उसके नाम से जो आइए शुक्रगुजारी करना सब शुक्रगुजारी करना सब शुक्रगुजारी करना शुरू हमारी किया था अभी और इसी वक्त सब इसके तमाम तरह के अभी इसके भागो यीशु के नाम छोड़ दो होकर तबीयत नहीं कर सके छोड़ो छोड़ो यीशु से नसीब करा अपने अपने हालात के लिए आप हालात से परेशान हो मुझे नहीं पता अपना बार बार बोल रहा है इसके लिए हालात से परेशान हो आप ईमान से बोलिए मैं हालात के ताबे नहीं हूँ हालात मेरे ताबे हालात मेरे ताबे होते चले जाए हालात मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और खुदावंद मुझे फेवर देगा और मेरी बेतरतीब जिंदगी को तरतीब देगा खुदावंद मुझे बहाल करना चाहता मुझे राहत के चश्मों के पास लेना और मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तार आइए शुक्रगुजारी करें आइए उनके पाकिस्तान के लिए शुक्रगुजारी फिक्र करें खुदा बहाल करें खुदा हालात में खुदा इन हालात में भी खुदा अपने लोगों को शेर और रब यीशु के नाम में बेरोजगारी रब यीशु के नाम में उनके पाकिस्तान में खुदा हुक्मरानों पर यीशु का नाम यीशु के नाम में खुदावंद हुक्मरानों पर तेरी और खुदावंद हर तरह की बेरोजगारी जाए, जैसे मर्जी है। हम जानते हैं कि तू अपने लोगों को फेवर करेगा, हालात जैसे मर्जी है, लेकिन तेरे लोग शेर और अशुदा होंगे, वो कभी भूखे और प्यासे नहीं होंगे, वो हमेशा शेर और अशुदा होंगे। और खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में इस वक्त जितने लोग तेरी हजूरी में मौजूद हैं, यीशु मसीह नासी के नाम में इनके घरानों, इनकी आने वाली नस्लें और इनकी जिंदगियों के अंदर बहाली और ताजगी आए। अभी इसे खुदावंद तेरी हजूरी और तेरी कुदरत इन पर है, घराने बरमाना तेरी कुदरत हमेशा तेरे लोगों पर रहे, तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को बरकत दे। आज के खूबसूरत कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजार है। उस बीज को ले जो खुदावंद तेरे लोग बोलना चाहते हैं, अभी से खुदावंद तो आप अंदार कर। यीशु मसीह नासी के नाम में बेरोजगारी जाए, सैलरियां बढ़े। यीशु मसीह नासी के नाम में इनके लिए नए नए दरवाजे जाए, और हर तरह से खुदावंद बिजनेस में खुदावंद स्टैंड करो और तेरी बरकतों के आभार व्यक्ति चले जाए। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत वक्त के लिए, सारी वस्तश के लिए, खूबसूरत कलाम के लिए, तेरी मीठी बातों के लिए, तेरी काट छाट के लिए, तेरी डांट के लिए, उन सब के लिए हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। हमसे कलाम है, हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ। तुझे जलाल देते हैं, तुझे नाम की बड़ाई करते हैं, तुझे ऊंचा और बुलंद करते हैं, और हमेशा हम जहाँ भी जाए तेरे गुआ बन कर हमारी जिंदगियों से हर तरह का डर और खौफ जो हो जाता है, हर तरह की डिस्टर्बिंग के रूप में तेरे नाम से काम करते हैं। और हम चाहते हैं हमेशा हम सारा जलाल इज्जत बज़ुर्गी नाम देते, ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु मसीह नासी के नाम में मांग करवा देते, जिसने हमें सिखाया आसमान पे पूरी होती है, जमीन पे हमारी रोज छोटी आज जिस तरह हमने अपने कर्जदारों के कर्ज बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा के लिए है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, पाकियों की रफाकत, शराकत, हाज़िर जमात के साथ, बनी इज़राइल कौम के साथ, अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन।